नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तिल के बारे में। मैंने ज्यादातर वीडियोस देख रहा था YouTube पे तिल के ऊपर बनाए हुए, और ज्यादातर YouTube के वीडियोस पे तिल को मोल कह के ही आइडेंटिफाई किया है। लेकिन एक और कंडीशन है जो जिसको भी हम हिंदी में तिल ही कहते हैं, और वो है प्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सेम है, लगभग सेम है, लेकिन दोनों के अंदर अंतर क्या है और कब हमें डर्मेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, इस सभी के बारे में डिटेल में आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों तिल यानी काले धब्बे जब हमारे चेहरे पे जमा हो जाते हैं तब कई बार परेशानी का सबब बन जाते हैं। अक्सर शरीर के दूसरे हिस्से में होते हैं तो हम इतना बॉदर भी नहीं करते, इतना उसका टेंशन भी नहीं लेते, लेकिन अगर चेहरे पे आ जाए तो फिर हमें जरूर इसका टेंशन आता है। साथ ही साथ अगर एक दो तिल है तो उसके लिए घबराने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा नंबर में अगर तिल आपको हो रहे हैं दूसरे हाथ पे तो इसके लिए डरने की बात है, और इसके लिए ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। एक हाथ दो तिल तो किसी को भी होते हैं, मुझे भी होंगे, आपको भी होंगे, सभी को होते हैं तिल, और इसमें घबराने वाली चीज कुछ नहीं होती है। अब तिल होते क्या है, मोल्स की या फ्रिकल्स की बात करें तो जब मिलानिन पिगमेंट हमारे त्वचा के अंदर ज्यादा जमा हो जाता है तब हम उसको मोल कहकर बुलाते हैं। फ्रिकल्स में भी यही मैकेनिज्म होता है, मिलानिन ही जमा होता है, लेकिन फ्रिकल्स यूजुअली ग्रुप के अंदर होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं जो एक समूह के तौर पे हमें होते हुए देखने को मिलता है। सॉलिटरी यूजुअली हमें फ्रिकल नहीं देखने को मिलता। मोल्स ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे मोल की अगर बात करें तो वो हमें एक जगह पे जमा होता हुआ देखने को मिलता है। अभी मिलानिन क्या होता है, मिलानिन शरीर में सिक्रिट होने वाली वो पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे त्वचा को उसका कलर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेनर्स होते हैं, यूरोपियंस होते हैं, उनके शरीर के अंदर, उनके स्किन के अंदर मिलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा फेयर हमें देखने को मिलती है। अगर हम अफ्रीकन लोगों की बात करें तो अफ्रीकन लोगों की स्किन हमें बहुत ज्यादा डार्क देखने को मिलती है, और ये होता है बहुत ज्यादा मिलानिन पिगमेंट उनकी स्किन के अंदर होने की वजह से। तो ये मिलानिन पिगमेंट अफ्रीकन लोगों में ज्यादा होता है क्योंकि मिलानिन पिगमेंट कुछ हद तक के जो धूप की सनरेज होती है, धूप की जो किरणें होती है उनसे हमारे शरीर का बचाव करती है, तो इसीलिए इन लोगों के अंदर हमें मिलानिन पिगमेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। इंडियंस के शरीर के अंदर ना बहुत ज्यादा कम होते हैं मिलानिन पिगमेंट, ना बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारे स्किन का कलर ब्राउन होता है, और इसीलिए एशियन लोगों को हम यूजुअली ब्राउन पीपल कह के बुलाते हुए देखते हैं यूरोपियन लोगों को। सो ब्राउन पीपल, बिस्किट कलर का हमारा स्किन का कलर हमें देखने को मिलता है। तो खैर ये था मिलानिन के बारे में, आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मोल्स और फ्रिकल्स के अंतर क्या है, तो मोल्स जो होते हैं यूजुअली मैंने जैसा बताया कि सिंगुलर होते हैं। मोल्स यूजुअली स्किन के ऊपर रेज हमें देखने को मिलते हैं, जो त्वचा होती है उसके ऊपर उभरे हुए हमें जो बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं तो उसे हम मोल्स कहते हैं। फ्रिकल्स दूसरे हाथ पे लाइटिश होते हैं, मतलब ब्राउनिश कलर के या रेडिश ब्राउन कलर के हमें ये स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। जैसा कि मैंने बताया इक्कट टुक्कट है, एक हाथ दो है, आपके शरीर पे थोड़े बहुत है तो इसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर में अगर हो रहा है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। और खासतौर पर अगर चेहरे पे हो जाते हैं तो कई बार इसको लेके काफी परेशानी होती है, लोग चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में भी आप होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके कॉजेस के बारे में देखेंगे, कॉजेस बहुत से होते हैं, कुछ तो अनुवांशिकता होती है, जेनेटिक्स होता है, हमारे जीन से कुछ इस तरह से बने होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मोल्स या फ्रिकल्स बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। दूसरा होता है सन एक्सपोजर, जब आप धूप में बहुत ज्यादा जाते हैं बाहर कोई काम करने के लिए, बार बार आपको बाहर जाना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, और मैंने देखा है कई लोग बहुत केयरलेस होते हैं, ना सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, ना कोई स्कार्फ बांधते हैं, ना दुपट्टा बांधते हैं और धूप में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर हमें बहुत सी बार मोल्स या फ्रिकल्स होने की संभावनाएं देखने को मिलती है। लास्टली मेडिसिन से कुछ दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट के तौर पे भी हमें मोल्स होते हुए देखने को मिलते हैं, तो ये सभी कॉजेस हमें तिल के लिए, तिल होने के लिए कारणीभूत देखने को मिलते हैं।
अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। कई लोग इसका घरगुती इलाज करने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत से नुस्खे YouTube पे भी देखने को मिल जाएंगे कि ये कीजिए, ये लगाइए, चूने का और अदरक का रस मिला के लगाइए, चूने को और डिटर्जेंट को मिला के लगाइए तो ये दाग धब्बे निकल जाते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा, अदरक का रस, लहसुन का रस, अगरबत्ती से जलाने से या फिर नींबू का रस लगाने से हो सकता है कि आपको मूल में या फ्रिकल में आराम मिल जाए। लेकिन अक्सर होता यह है कि वो उतना प्रिसीजन, इतना प्रिसाइजली नहीं लगा पाते हैं, उतना एकदम सटीक तरीके से वो सॉल्यूशन हम उस तिल पे नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से आसपास की स्किन भी जल जाती है और कई बार उसका प्रमाण भी ज़्यादा हो जाता है। तो हो सकता है कि काले दाग धब्बे गिर जाए स्किन के ऊपर, या हो सकता है कि स्किन वहां पे बहुत ज्यादा जल जाए और वहां पे गड्ढे गिर जाए। तो ऐसे में तिल में तो आराम मिल जाएगा, लेकिन गाल के ऊपर काले दाग धब्बे या गड्ढे बन सकते हैं जो बाद में ट्रीट नहीं होते। तो आपको बहुत ही केयरफुली ये घरगुती नुस्खों का उपाय करना है। और मैं अब होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा। बहुत ही सेफ है, कोई साइड इफेक्ट इन दवाओं का नहीं है और बहुत अच्छी इफेक्टिव दवाइयों के बारे में मैं बताऊंगा। चाहे फ्रिकल्स हो चाहे मोल्स हो, मैं यूजुअली यही दवाइयाँ दोनों ही पेशेंट्स के अंदर देता हूँ, तिल का कोई भी प्रकार हो। सबसे पहले मैं देता हूँ बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर और सल्फ्यूरिक एसिड मदर टिंचर का मिश्रण। आधी बोतल में बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर और आधी बोतल में आपको सल्फ्यूरिक एसिड मदर टिंचर का ले लेना है, उसे मिक्स कर लेना है। अब आप इस मिश्रण को ईयरबड के ऊपर जो कॉटन होता है उसमें डुबा के उस ईयरबड से जहाँ पे आपको तिल हुआ है शरीर में, जहाँ पे भी तिल हुआ है उस तिल पे दिन में 2 से 3 बार लगाना है और छोड़ देना है। ठीक है, ध्यान रखिए दो दवाइयों का मिश्रण है, सल्फ्यूरिक एसिड क्यू और बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू। इसकी सील पैक बॉटल आपको आपके नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर पे मिल जाएंगी। सील पैक बॉटल ही लीजिएगा, लूज बॉटल मत लीजिएगा। आई डोंट प्रिफर बाइंग लूज बॉटल्स, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत शंका उत्पन्न हो जाती है क्वालिटी वाइज। तो आप सील्ड पैक बॉटल ही डिमांड कीजिएगा आपके नज़दीकी होम्योपैथिक स्टोर पे। तो ये हो गया लगाने का मिश्रण। अब पेट में क्या लेना है? पेट में हमें लेनी है दो दवाइयाँ। एक है एसिड फ्लोर 30। एसिड फ्लोर 30 की दो दो बूंद हमें सुबह सुबह उठने के बाद पेशेंट की जुबान पे डालना है और शाम को डालना है थुजा 30 की दो बूंद। तो एसिड फ्लोर की दो बूंद सुबह और थुजा 30 की दो बूंद शाम को, ये दवाई हमें कंटिन्यूअसली चलाना है। तो जो मिश्रण है वो और पेट में लेने की जो दवा है ये दवाइयाँ अगर हम कंटिन्यूअसली लंबे समय तक लगाते हैं तिल पे, तो तिल के अंदर बहुत जल्द आराम देखने को मिलता है। जो तिल की कलर होता है, साइज होती है, वो हमें धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छी इफेक्ट है और 1 पैसे का साइड इफेक्ट इन दवाओं का नहीं है। ये थी जानकारी तिल के ऊपर काम आने वाली होम्योपैथिक दवा के बारे में। और भी कुछ दवाई आती है होम्योपैथी में, बट मैं 99% केसेस के अंदर यही दवा यूज़ करता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिलते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ के भी कंफ्यूज मत होइए, आप यही फॉर्मूला यूज कीजिए और आपको तिल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स अनुभव करने मिलेंगे। तो ये जानकारी आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होंगी और मैं जो बताना चाह रहा था वो आप सभी को समझ में आया, फ्रिकल्स और मोल्स का डिफरेंस जो है वो भी समझ में आया हो। जैसे जाते जाते एक बात और बता देना चाहूँगा कि अगर बहुत बड़ा तिल है, बहुत इरेगुलर मार्जिन है, बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर उभर के आया है, अनकंट्रोल्ड मोल जिसे हम कहते हैं, अगर ये देखने को मिल रहा है तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है। फ्रिकल्स जो ग्रुप के अंदर छोटे छोटे तिल आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है। सनस्क्रीन लोशन आपको कंटिन्यूअसली यूज़ करना है चाहे किसी भी प्रकार तक का तिल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।